आयशा, जानवी, कैसे यस सर, यस सर। हो? ओके, नाउ स्टार्ट। कहाँ थे अपन? आइसको माय सेट सेक्सुअल स्पोर्ट्स। अच्छा, लेट्स सी इट। मारो वो दिस। एस्कोमाइसिटिस असेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड। अच्छा, सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं ना, उसका नाम क्या है दूसरा? एस्को स्पोर। ठीक है, चलिए। विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, एक बात आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपको माइसीलियम, हाइपी, हाँ सॉरी, हाइपा, माइसेलियम, ये क्लियर है? जितने जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे उतना तेजी से मैं पढ़ा पाऊंगा। हेलो, यस ठीक है। ये इंडोजिनसली बनते हैं। इंडोजिनसली मतलब अंदर बनेंगे। एक्सोजिनसली का एग्जांपल ये लिया था, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एस की, और सिंगुलर में इसको एस्कस बोला जाएगा। ठीक है, दीज एस की, ये जो एस की है, अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पोर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चे को जाता है प्रॉब्लम ये लाइन में कि एस की क्या है, एस्कस क्या है, एस्कोस्पोर क्या है, एस्कोकार्प क्या है। ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अच्छा, ये जो डीजे बज रहा है इससे आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना? जरा बोलते चलिए बच्चों। ये आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गया आपके सामने। नो सर, व्हाइट बोर्ड आ गया बेटा। जान भी यस ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ऐसे आप उन कौन सी फंगी पढ़ रहे हैं बताइए? एस्कोस्पोर है ना? एस्कोस्पोर फंगी है क्या? क्या पढ़ रहे अपन? एस्कोमाइसिस ये एस्कोमाइसिटिस की एक हाइपी है। ठीक है, ये दूसरा एस्कोमाइसिटिस, दूसरे के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एस्कोमाइसिटिस यहाँ पे कितने हो गए? दो। ठीक है, ये एस्को, दो। हाँ जी, ये एस्कोमाइसिटिस का अपना न्यूक्लियस, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस। ठीक है, थोड़े बड़े बना देते हैं, ध्यान से सुनना। ये हो गए न्यूक्लियस, इस तरफ ये न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, ठीक है, ये हाइपी, दोनों हाइपा। अब दोनों हाइपा को अट्रैक्ट करेगा फेरोमोन। अच्छा, इस तरफ ये बहुत बड़ी फंगी है, ये बाकी के हाइफाई है। मैंने एक हाइपे को बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, ये माइसेलियम पूरा, ऐसे कई माइसेलियम होंगे, ये फंगी है। अच्छा, ये भी फंगी, माफ कीजिएगा, ये माइसेलियम। दोनों एक ही जगह पे हो सकते हैं या अलग अलग फंगी के भी हो सकते हैं, मैं दोनों के एक ही मान के चल रहा हूँ। ये दोनों एक ही फंगी है, ये माइसेलियम वन है, ये माइसेलियम टू है। ठीक है, और ये जो सेल है, इस सेल को जरा ध्यान से देखिए, जैसे फेरामोन रिलीज होगा। अच्छा, मैंने बनाए बहुत दूर दूर है, दरअसल ये होते बड़े क्लोज है। ठीक है, ये इस तरह से क्लोज आ गए, होते क्लोज ही है, मैंने दूर बनाया, आप ये ना समझेगा। अब ये दोनों मिल गए एक दूसरे में। ठीक है, अच्छा एक सेल, अच्छा ये जो सेल वॉल है ना, ये डिसॉल्व हो जाएगी। ये जो सेल वॉल है ना, ये क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इस तरह से यस दोनों सेल मिल गए। अच्छा, इस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे? डाई। डाई मतलब दो हो गया,
कैरियन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, डाइकैरियन बराबर है, एक सेल में दो न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लाज्मोगैमी हुआ, ये बात याद रखना, प्लाज्मोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग, न्यूक्लियस नहीं, नहीं वो तो कैरियोगैमी होगा बेटा, अब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में मिक्स हो गए, अब इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि डाइकैरियन क्या है, कैरियोगैमी क्या है। ओके, अब एक बात याद रखिए कि देखिए ये वाला स्ट्रक्चर और इधर से ये वाला स्ट्रक्चर है ना, मैंने ये वाला लिया है, ओके, और यहाँ पे ये वाला लिया है, ठीक है, और ये हाइब्रिड, ये हाइब्रिड जो दोनों के मेल से बना है, ठीक है, दोनों के मेल से, और मान लीजिए रेड में मैं इनका न्यूक्लियस दिखा देता हूँ जो दोनों का मिलके बना है, ठीक है, अगली बात समझ में। अच्छा, यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम कहेंगे एस्को जीनस हाइपिंग, बस आपको सुनना है ध्यान से, हाँ ठीक है, एस्कोजिनस हाइपे बन गया, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों का। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बेंड जैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे एस्कोजिनस हाइपे, ठीक है बच्चों। आगे मैं ले रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, इधर के लाइन में मिटा, अब मैं सिर्फ ना इतना ही सेल, माफ कीजिएगा, मैं ना सिर्फ, अरे क्यों भाई, ये क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा अच्छा ऐसा था, है ना, मैं ना सिर्फ बेटा इतना ही सेल बनाऊंगा, चलेगा, इतना ही बनाने वाला, बाकी मैं डिटेल नहीं बनाने वाला, पूरा आजू बाजू का वो कोई मतलब भी नहीं। यस सर। अब ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया था, याद है आपको, ओके, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस बन गया था, ये न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ, हो गया, इसका जो नाम पड़ जाएगा, अब इसका नाम पड़ जाएगा एस्की, क्या नाम पड़ेगा, एस्की, एस्की सिंगल होता है या डबल होता है एनसीईआरटी में, देखिए सिंगुलर या प्लूरल, सिंगल, तो मैं सिंगल का नाम कह दे दूं, सिंगुलर एस्कस, एस्कस, और प्लूरल में क्या नाम दे दूं, एस्की, बराबर है, समझ में आ रही है बात, तो इस सिंगल का नाम क्या हुआ, एस्कस। अब एस्कस के अंदर कितने न्यूक्लियस है, एक है ना, ये एक न्यूक्लियस जो है ना, ये न्यूक्लियस बना कैसे, दो न्यूक्लियस मिले, इस स्टेप को देखिए, दो न्यूक्लियस मिले थे और एक न्यूक्लियस बन गया था, अब इस न्यूक्लियस का होगा मियोसिस, क्या होगा मियोसिस, जैसे मियोसिस होगा तो पहले दो बनेंगे, बराबर है, और दो के कितने बन जाएंगे आयशा जानवी, दो के कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, चार, बराबर है, इसे को अपन क्या कहते हैं, मियोसिस, क्लियर रखिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो स्पोर बने वो कितने बने यहाँ पे, चार, बराबर है, इस स्पोर को अपन क्या बोलेंगे, एस्को स्पोर, समझ में आ रही है बात, कितने स्पोर बनेंगे, चार, चार से फिर आठ बन जाएंगे, टोटल तो बनते हैं आठ, क्या नाम देंगे इन स्पोर को, एस्को स्पोर, ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, हेलो, इतना क्लियर है बच्चों, अरे मजाक की जरा सड़े हुए हो, हेलो
हेलो हेलो हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, पता नहीं इसको भी क्या प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। यस अभी क्लियर आ रही है सब? वही कनेक्टिविटी का सर, हमारा पुराना सदियों पुराना प्रॉब्लम हो। वीडियो हाँ बोलो। क्या है? नहीं वीडियो अभी स्क्रीन शेयर ही नहीं किया अभी। वो उतना समझ में आ गया जितना मैंने हाँ बताया? सर, हाँ सर जी, आपने बोर्ड पे बताया उतना समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बताइए। एस को अस्कस एस्कस में छोटे छोटे क्या बन गए? स्पोर बन गए। इस स्पोर का नाम क्या होगा? एस को स्पोर। अस्कस्पोर ठीक है अस्कस्पोर ठीक है। अच्छा आसपास कुछ सेल थे याद है तुमको? ठीक है इस तरह से। अच्छा यस सर। अब ये एस्कोस्पोर 4 रिलीज नहीं होंगे बल्कि कितने रिलीज होंगे? अच्छा आठ। पहले मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे, फिर माइटोसिस होगा। पहले मियोसिस होगा तो एक के कितने बन जाएंगे? 4। फिर माइटोसिस होगा चार तो 4 के 4 वापस बन जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे? 8। आठ ठीक है। और ये हाइपी है जिसके ऊपर ये स्पोर बना। अच्छा जिसके अंदर स्पोर बना उसका नाम क्या है बताओ? क्या एस्कस नाम है? बहुत बढ़िया। एस्कस इसका नाम है एस्कस। जिसके अंदर स्पोर बना उसका नाम क्या है? एस्कस। अच्छा इसको हम स्पोरिंजिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे स्पोरिंजिया का जो नाम है वो है एस्कस। ठीक है ये सारे बच्चों का क्लियर है। अब एक बात देखिए, यहाँ से माइसेलियम ग्रो होता है इस तरह से। यहाँ से कौन से पॉइंट से ग्रो किया मैंने उसको? इस पॉइंट से। ये पॉइंट से देखिए, यहाँ से एक ब्रांच निकली, माइसेलियम ग्रो हो गया। ये माइसिलियम ग्रो होते जा रहा है, इधर से भी निकला ग्रो हो गया। मतलब हर तरफ से माइसिलियम निकल के ग्रो हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये माइसिल यस सर। मतलब हाइपी ग्रो हो रही है एक्चुअल में। बहुत सारी हाइपी जब एक जगह आए तो उसको माइसिलियम बोलते हैं। क्लियर है आयशा? अब इतने स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे फ्लोटिंग बॉडी या एस्को कार्प। क्या नाम दे देंगे? फ्लोटिंग बॉडी या एस्को कार्प। इतना समझ में आया? हाँ यार। सर हाँ यस बोलो जानवी। सर, अगर उसके साइड में माइसिलियम ग्रो नहीं होता था तो फिर उसको उसको अपन फ्लोटिंग फ्लोटिंग बॉडी बॉडी नहीं, नहीं बोलते नहीं नहीं थे फिर नहीं फ्लोटिंग बॉडी नहीं, फिर तो स्पोरिंजिया ही रहेगा ना। क्या? ओके सर समझ में आया मैं जानवी? अब क्लियर हो गया इतना? यस फ्लोटिंग सर। बॉडी ठीक है। अब एक बात देखिए, मैं पूरा दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए ये एक क्या था जिसके अंदर स्पोर बने थे? बोलो जानवी। बोलो बेटा। कुछ नहीं सर। नहीं नहीं एक एक क्या था ये एक स्ट्रक्चर। आजकल अच्छा कितने हो गए अब एस्कस? बहुत ज्यादा हो गए, एक से कितने ज्यादा, दो कितने हो गए? कितने हो गए बताओ टोटल? फाइव। ओके और इनके अंदर जो स्पोर है उनका नाम क्या है? एस्कोस्पोर्स। अच्छा ये एस्कोस्पोर बने कैसे बेटा? सर दो फंगी एक जगह आई, दोनों एक दूसरे पर मिले, डाइकेरियन बना, फिर एस्कोजिनस हाइबी बना, फिर एस्कोस्पोर बना। तो ये सेक्सुअल स्पोर है या नॉन सेक्सुअल स्पोर है? हाँ बोलो। सेक्सुअल
दो फंगी मिली नहीं मिली नहीं ना सेक्सुअल कैसे होगा दो सेल मिले या नहीं मिले एक दूसरे में हाँ, मिले सर ये एन था ये एन था एन एन प्लस क्या हो गया टू एन हो गया हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो इसको बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर ये सेक्सुअल स्पोर का नाम बोलो स्पोर का नाम बताइए चलिए एस्कोस्पोर बराबर है हाँ ये एक हाइपी पे लगा होगा वैसे ये स्पोर भी एक दूसरे हाई पी पे लगा होगा ये तीसरे हाई पी पे लगा होगा ये चौथे हाई पी पे लगा होगा ये पांचवें हाई पी पे लगा होगा और कुछ ऐसी हाई पी होगी जिसपे कुछ भी नहीं लगा होगा बराबर है ये पूरे स्ट्रक्चर को माइसीलियम बोलते हैं और कुछ माइसी कुछ हाई पी जो है ऐसे ग्रो कर गई होंगी आ गई बात समझ में तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बताइए ये वाले हाँ मनस्वी Yes, इसको क्या बोलेंगे यस सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारी अटेंडेंस इसको बोलेंगे क्या जानवी हाँ इसको फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे ठीक है नहीं 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 इसको क्या बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूटिंग बिल्कुल करेक्ट फ्रूटिंग बॉडी का ही दूसरा नाम एस्कोकार्प एस्कोकार्प में एक से ज्यादा क्या हो सकती है आयशा एक से ज्यादा क्या हो सकती है नहीं ना फ्रूटिंग बॉडी ये एक सिंगल क्या है बेटा ये सिंगल क्या है और एक से ज्यादा एस्कस रहे तो उसको क्या बोलेंगे हाँ तो एक फ्रूटिंग हाँ एक फ्रूटिंग बॉडी में क्या हो सकते है एक से ज्यादा एक से ज्यादा क्या हो सकते है ध्यान से इधर ध्यान दो एक से ज्यादा क्या हो सकते एस्कस हाँ और एक से ज्यादा एस्कस प्लूरल में क्या बोलेंगे सिंगुलर में क्या बोलेंगे प्लूरल में एस्कस नहीं सर प्लूरल में एस्की और सिंगुलर में एस्कस ये फ्रूटिंग बॉडी जो मैं जिस पे राइड कर रहा हूँ इसमें एस्कस है या एस्की है उसके अंदर एस्कस है और एक को पकड़े तो क्या बोलेंगे सिंगुलर को एस्कस बोलेंगे और अगर ग्रुप में पकड़े तो एस्की बोलेंगे तो ये एस्की है या नहीं है है सर एस्की है और एस्की किससे बनी है बोलो नहीं 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 एक क्या है ये दो क्या है ये तीन क्या है ये चार क्या है ये पांच क्या है बताओ प्लूरल में इनको क्या बोलेंगे बस ठीक है वो कहाँ डेवलप होते ये सारे कहाँ बनते एंडोजेनसली बनते सर हाँ एंडोजेनसली किसके अंदर बनते फ्रूटिंग बॉडी का नाम हाँ ठीक है ये एक बाहर निकला इसमें से मैंने एक बाहर निकाला देखो एक बाहर निकाला ये क्या निकाला मैंने अंदर से निकाला ये बात ध्यान में रखना अंदर से जो आठ है ना उसमें से एक निकाला एस्कोस्पोर बहुत बढ़िया एस्कोस्पोर बहुत बढ़िया चलो क्लियर हो गया इतना यस ये नीचे गिरेगा स्पोर और नई क्या बनाएगा नई हाइपी बनाएगा ये हाइपी डिवाइड होगी और एक माइसिलियम तैयार हो जाएगा ठीक है फिर माइसिलियम कंटिन्यू बनते जाएगा yes, फिर माइसिलियम डिवाइड होते जाएगा और कंटिन्यू नया क्या तैयार हो जाएगा एक फंगी तैयार होगी मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग में क्लियर कर रहा हूँ सीधा बुक पे आ रहा हूँ ठीक है आ गई बुक आ गई सबको दिखाई दे रही है अरे हाँ या ना बच्चों yes, yes. बताओ ये लाइन देखो सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलेंगे हो गया क्लियर yes, जो कहाँ बनता है जानवी इंडो जीनसली
जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, एस्की, और सिंगुलर में क्या है वो, एस्कस। दीज, हाँ दीज एस्की मतलब प्लूरल। हाँ, और अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ख्याल में आया? फ्लोटिंग बॉडी ख्याल में आई? यस सर, और उसको ही क्या यस बोलेंगे, सर, एस्को। एक्सपर्ट। और अगली बात समझ में? ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लो, एस्परजिलस, क्लेविसिप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा वो फंगी है जिसका बायोकेमिकल और जेनेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लेविसिप एक एग्जांपल, न्यूरोस्पोरा दूसरी एग्जांपल, एस्परजिलस तीसरी एग्जांपल। ठीक है, और इसके पहले कौन से एग्जांपल पढ़े अपने, इसके पहले के बेस पे ईस्ट और पेनी पेनिसिलियम, याद है? ठीक है, अब न्यूरोस्पोरा वो फंगी है जिसपे सबसे ज्यादा जेनेटिक वर्क हुआ है, एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन सी फंगी है जिसपे जेनेटिक वर्क ज्यादा हुआ है, बायोकेमिकल वर्क ज्यादा हुआ है? तो आंसर क्या जाएगा, न्यूरोस्पोरा। मेंबर लाइक मोरेल एंड ट्रफल आर एडेबल न्यूरोस्पोरा एंड कंसिडर न्यूरोस्पोरा डिलेशियबल। मोरेल एंड ट्रफल, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मोरल एंड ट्रफल करके जो दो मेंबर है, इनको खाया जा सकता है। ठीक है, बहुत डिलीशियस लगते हैं। ये लाइन भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो गई है फंगी? अब नोट्स मेंटेन करते चलिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चे कितने जुड़ रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं, आप बस पढ़ते चलिए, ज्यादा सोचने का काम नहीं है। ठीक है, आजकल के बच्चों को तमाशे ज्यादा चाहिए और पढ़ना कम चाहिए, तो आप टेंशन मत लो, वो बराबर आ जाते टाइम पे जब उनके रिजल्ट नहीं लगते। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, ये तो कई सारे एग्जांपल आ गए, टोटल एग्जांपल कितने हो गए आयशा इसमें? पहले वाला ईस्ट, दूसरे वाला पेनिसिलियम, तीसरा एस्पार्जिलस, ठीक है, सेवन है सर, क्लेविसिप, न्यूरोस्पोरा, टोटल कितने हो गए? सेवन। सेवन, यस सर। पहला कौन सा बेटा? ईस्ट, दूसरा, पेनिसिलियम, तीसरा, चौथा, एस्परजिलस, क्लाविसिप्स एंड न्यूरोस्पोरा एंड देन मोरल्स एंड ट्रफल्स। बहुत बढ़िया, मोरेल ट्रफल आपको खुद से याद रखना पड़ेगा, बाकी मैं याद करवा दूंगा, कर लोगे? यस सर। चलो बोलो, इसको ये बोलो, इसको ये पेन पेन कल पेन कल। अच्छा, इसको से क्या होगा? कल, अच्छा, इसको 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 एस्परजिलस, इसको से क्या आएगा? एस्परजिलस, ये से यीस्ट, हाँ, पेन से पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन, हाँ इसको ये पेन कल से, कल कल लिखो, कल से क्या आएगा? क्लाविसिप्स, इसको ये पेन कल नेहा ने दिया था, नेहा से क्या जाएगा? न्यूरोस्पोरा। बस बराबर है, या मोरल नेहा ने दिया था, मोर तेरी, ऐसा तो कुछ नहीं बन सकता, मोरल ट्रफल तो आप खुद ही याद रख लीजिए, छोड़िए। बताओ ट्रिक क्या बनी? यस सर, वो एडिबल भी है तो वो अलग से याद हो जाएंगे, मोरल्स और ट्रफल्स। बताओ इसी ट्रिक, बताओ फट से। इसको एक पेन कल नेहा ने दिया था, ठीक है, इसको से क्या आ जाएगा? चलो बताओ बताओ, एग्जांपल बताओ, यही लर्न कर लो, खत्म करो। एस्परजिलस, पेन से पेनिसिलियम, कल से क्लाविसिप्स, कल, हाँ, ये से ईस्ट, अच्छा, नेहा से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ऐसी फंगी जिसपे सबसे ज्यादा जेनेटिकल वर्क हुआ है, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, खाने वाली फंगी, मोरल्स एंड ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बात याद रखिए, इसमें जो कोनेडिया है,
ठीक है, कोनिडिया कैसा है? असेक्सुअल स्पोर है। हाँ, और ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? एक्सोजेनियसली। पीछे जाओ, पीछे वाली फंगी पे जाओ। गए कौन सी फंगी थी वो? माइकोमाइसिटिस। अच्छा, यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे? एंडोजेनियसली। समझ में आ गई बात? एंडोजेनियस। हाँ, सर इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है क्या सर, एंडोजेनियस और एक्सोजेनियस के लिए? बोलता पहले ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, ये फाइकोमाइसिटिस है, बराबर है? ये क्या है? यस सर। अच्छा, फांसी सबके सामने देते हैं, जेल के अंदर देते हैं? जेल के अंदर। बस ऐसे समझ लो, जेल के अंदर स्पोर बन जाएंगे फाइकोमाइसिटिस। अंदर मतलब इंडोजेनसली। समझ में आया? अरे समझे नहीं समझे? यस सर। और एस्कोमाइसिटिस? एस्कोमाइसिटिस सर। एस्कोमाइसिटिस में कहाँ बनते? इसको उल्टा कर देना। चलिए, क्लियर है इतना? आ जाओ बिसिडोमाइसिटिस पे। कॉमनली नोन एज कॉमनली फॉर्म बिसिडोमाइसिटिस आर मशरूम। अच्छा, इसको कॉमनली जाना जाता है मशरूम बोल के, ब्रैकेट फंगी या पब बॉल फंगी। ठीक है, इन तीनों नाम से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इन तीनों नाम को मेन हेडिंग बनाया जा सकता है क्वेश्चन बनाने के लिए। वो बिसिडोमाइसिटिस नहीं लिखेंगे, उसके जगह मशरूम फंगी लिख देंगे, या उसके जगह ब्रैकेट फंगी दे देंगे, या पब बॉल फंगी दे देंगे। समझ में आ गया? दे ग्रो इन सॉइल लॉग्स ट्री स्टंप एंड लाइंग एंड प्लांट बॉडी एज अ पैरासाइट। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। ये पैरासिटिक फंगी की ये बात याद रख लेना थोड़ी सी। एग्जाम्पल रस्ट और स्मट। ठीक है, इनके वजह से रस्ट होता है, स्मट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। द माइसेलियम इज ब्रांच। इसका माइसेलियम कैसा है? ब्रांच। इसका बिसिडोमाइसिटिस का। आवाज आ रही है सबको? अबे आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, पहले वाली फंगी कौन? हाँ ठीक है ठीक है, पहले वाली फंगी कौन सी थी? फाइकोमाइसिटिस। बराबर है, उसकी माइसेलियम ब्रांच है, अनब्रांच है? आयशा माइसिलियम कैसे इसकी ब्रांच एंड सेप्टेड है? आयशा आर यू देयर? चलो ठीक है, उसकी कैसे? सर माइसिलियम ब्रांच और सेप्टेड है ना यहाँ पे। अच्छा, उस वाले की हाइपी कैसी थी? सिनोसाइटिक। हाँ बहुत बढ़िया। दे आर यूज द असेक्सुअल स्पोर। The asexual spore are generally not found. इसके अंदर asexual spore नहीं बनता, but vegetative reproduction take place by fragmentation. ये question है, ये line बहुत बढ़िया question बनेगी। यहाँ asexual spore है ही नहीं, कोनिडिया फोनिडिया जैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे, but vegetative reproduction मतलब टुकड़ा गिरना, vegetative होता है ना जिसमें spore नहीं बनते। अच्छा देखिए, तीन तरह के रिप्रोडक्शन है, एक है असेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन, एक है वेजिटेटिव। असेक्सुअल में स्पोर बनता है जनरली। हाँ समझ में आ रही है बात? एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, फीजन हो गया, ठीक है, ये आ गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। क्लियर है? सेक्स ऑर्गन अब्सेंट। इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होगा, बट प्लाज्मोगैमी ब्रॉट टुगेदर बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ और जीनोटाइप्स। अब इस लाइन का मतलब समझिए, कितने बच्चों को नहीं समझे जरा बताइए। ओके ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं। और किसको नहीं समझा? तीनों को भी नहीं समझा, तीन चार बच्चे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई देखो, आयशा दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? मान लो ये एक फंगी है, अरे माफ कीजिएगा, व्हाइट बोर्ड है सामने?
ओके, मान लो ये फंगी है इस तरह से, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेन बोले तो एक वैरायटी पकड़ लीजिए, और यहाँ पे एक दूसरी फंगी है, क्या हम कहेंगे यहाँ पे एक हाइपा है या यहाँ पे एक माइसिलियम है या दूसरा माइसिलियम है, मतलब दो अपोजिट माइसिलियम पकड़ने हैं आपको, दोनों एक दूसरे में मिल गए, मैं सिर्फ इन्हीं सेल को लूंगा, डाइकेरियन हो गया, हो गया डाइकेरियन। Yes, sir. अच्छा एक मेरी बात सुनिए, अभी डाइकेरियन नहीं करना है, हट जा भाई, एक सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए, दो आ गए, नहीं आ गए। Yes, sir. अच्छा बाजू वाले की तरफ ये क्या है और ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक के ये इस तरफ की हाइपी है और ये इस तरफ की हाइपी या माइसीलियम है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. यहाँ पहले ऑलरेडी कितने न्यूक्लियस थे, एक एक बराबर है, समझ में आ रहा है जानवी? Yes, sir. अच्छा बेटा देखो, यहाँ से एक क्लैम बन जाएगा, क्लैम मतलब एक रास्ता बन जाएगा, और यहाँ से एक क्लैम बन जाएगा, और ये न्यूक्लियस डबल हो जाएंगे, और एक एक न्यूक्लियस इस तरफ ट्रेवल करेगा, एक एक न्यूक्लियस इस तरफ ट्रेवल करेगा, तो जरा इस तरफ देखिए कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो। इतना समझ में आ गया सबके? यस सर। मनस्वी? यस सर। आयशा? Yes, sir. यानी हर इसमें कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर होगा ऐसा, और ये दोनों न्यूक्लियस इस स्ट्रक्चर में चले गए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बेंड जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, बेसी डीएम, क्या नाम है इसका, बेसी डीएम, समझ में आ रही है बात? एनी क्वेश्चन? हेलो? नो सर। अच्छा नो सर। अच्छा अब मैं एक ही बनाऊंगा, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद दोनों न्यूक्लियस मिल गए एक दूसरे में, कैरियोगैमी हो गया, हो गया बेटा कैरियोगैमी? यस। कैरियोगैमी होने के बाद टोटल न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे, चार। टोटल न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे, चार। देखो चार न्यूक्लियस तैयार हो, इसको आगे लो थोड़ा सा, एक और स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ, इसमें न्यूक्लियस चार हो गया, मैंने कहा न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस बन गए यहाँ पे, चार, किसके अंदर, बीसीडीएम के अंदर, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है, बीसीडीएम, ठीक है। लेक्चर 40 मिनट के बाद बंद हो जाता है, ये बीसीडीएम ने ऐसा फॉर्म ले लिया और चार न्यूक्लियस जो बने थे वो हर एक इस, एक एक इसमें चला गया, जैसे कि इस तरह से, समझ में आ गई बात? Yes, sir. इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेसिडियम और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? Yes, sir. इसके आसपास एक इस तरह का माइसिलियम डेवलप हो गया, अब इसको बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी या बिसिडो कार्प। समझ में आ रही है बात? Yes. अब पहली स्लाइड देखिए, दो वेजिटेटिव सेल,
अलग अलग स्ट्रेंथ के होंगे, यानी ये जेनेटिकली अलग होगा और ये जेनेटिकली अलग होगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। दोनों के न्यूक्लियस मिल गए, सॉरी दोनों के न्यूक्लियस एक जगह आ गए। एक जगह आने के बाद प्लाज्मोगैमी होंगी। अच्छा, ये प्लाज्मोगैमी सॉरी कैरियोगैमी होंगी। ये कैरियोगैमी कहाँ पे हो रही है बोलो? बीसीडीएम। ओके, फिर बीसीडीएम के अंदर ये मियोसिस कर रहा है, मतलब एक के कितने हो रहा है, चार, और चारों किनारे पे जाके ये क्या तैयार कर दे रहा है, स्पोर। समझ में आ रही है बात? और इन स्पोर को क्या बोलेंगे, बीसीडियो स्पोर। और जहाँ ये स्पोर बन रहा है वो फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे, बीसीडो कार्प। क्लियर है? बीसीडो कार्प, एस्कोमाइसिटेज नहीं है, बीसीडो माइसिटेज। समझ में आया? अच्छा, यस सर। स्क्रीन पे ले रहा हूँ, लेक्चर बंद हो जाएगा, फिर कल से शुरू हो जाएगा अगर हो गया तो। ठीक है सर, अभी नहीं होगा, थोड़ा लेट चालू किया है ना, इसलिए टाइम है अभी। लेट्स सी, देखते हैं जितना चला उतना चला। ये रहा, ये लाइन देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको, यही वाले इससे उठाते हैं। एक मिनट, एनोटेशन स्टॉप। ये लाइन असेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फॉर्म, ये लाइन देखिए, बट वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है कॉमन है। द सेक्स ऑर्गन और अब्सेंट, इसमें कोई सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, बट प्लाज्मोगैमी ब्रॉट टुगेदर बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, डिफरेंट स्ट्रेंथ और जीनोटिपिक। याद है कि दो अलग अलग सेल एक दूसरे में मिल रहे थे जिनका जेनेटिकल मेकअप जो है अलग अलग था, ये जेनेटिकली अलग है और ये जेनेटिकली अलग है। द रिजल्ट स्ट्रक्चर इज डाइकेरियन, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे डाइकेरियन। याद आया? याद आया? Yes, yes. इसके बाद अल्टीमेटली गिव बेसिडियम, इसके बाद ये क्या देगा, बेसिडियम देगा। याद है इस तरह का स्ट्रक्चर बना था, इसको बेसिडियम बोले थे, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था। याद है या नहीं? ये मनस्वी बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी होगा और उसके बाद उसका क्या होगा, मियोसिस होगा, बराबर है? अच्छा, ये किसके अंदर हो रहा है सब, बीसीडीएम के अंदर, और चार क्या बन जाएंगे, बीसीडोस्पोर। याद आ गया? अब बीसीडोस्पोर कहाँ बने, बाहर बने या अंदर बने? अंदर बने सर। किसके अंदर बने, बेसिडियम के अंदर। प्लूरल में क्या बोलेंगे, बेसिडिया। चलो फ्रूटिंग बॉडी का नाम बताओ, बेसिडियो कार्प। बताओ कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? अरेंजिंग प्रूफिंग सर, नीचे से सेकंड लाइन मिल गई। चलो बताओ क्या डाउट है अब इसमें? है कोई डाउट? नो सर। आयशा? नो सर। मनस्वी? नो सर। Some common member are agaricus.